नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुछी मो शक्ति। विधानसभा रे राज्य सरकार का जल संपद मंत्री जो तथ्य रखी महानदी संपर्क रे अति सांघातिक तथ्य जो कथा आम बहु पूर्वर कही आसुलु जे वर्तमान जो भली भाव स्थित महानदी जोटी छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमार प्रवेश करी आम दुई मास तले देखु से चित्र कलमा ब्यारेज पर किभली भाव महानदी पानी को रोक दि जाए संपूर्ण रूपे महानदी जलधारा निश्चिन्न हो जाए पूरा सुखी जाए ओडिशा जो प्रवेश कर तो यह स्थित आग को ग्रीष्म आरंभ हो आरंभ हो गला ग्रीष्म प्रकोप कौन हम ग्रीष्म समय जितेबले महानदी पा नल भंडार जलस्तर जितेबले कमीज केमी चाष जमी को पा माड़ केमी लोक पीवा पानी केमी मिल केमी शिल्पानुष्ठान को पा जाए अनेक प्रश्न सृष्टि हो राज्य सरकार जितेबले महानदी कथा आसीला छत्तीसगढ़ ओडिशा महानदी विवाद कथा आसीला छत्तीसगढ़ बंध तैयारी करुच्चे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेब एक जितेबले विवाद चलता राज्य सरकार घोषणा करते आम महानदी विभिन्न स्थान में सतटी ब्यारेज निर्माण करूँ बर्षा दिन में जो पा समुद्र को बही जाऊ संरक्षित कर रखु जहाँफल कि ओडिशावासी खरा दिने जल कष्ट भोगे ना दुई वर्ष पर कौन से घोषणार स्थिति कुआडे गला ब्यारेज कहीं आज पर्यंत गोटे ब्यारेज रे निर्माण रे इटा खंडे भी पड़ पारा ना ये प्रश्न आज उठू तो राज्य सरकार दूरदर्शितार अभाव राज्य सरकार अपारगता जो कि आज सारा ओडिशावासी खासकर महानदी अवबाहिका जो 14 जिलार लोक मैंने सांघातिक जल कष्ट भोगापी जाऊँच शह शह हेक्टर जमी रे फसल उजड़ा जाऊँगी कारण समस्ते निर्भरशील महानदी पानी उपरे प्रकृतर स्थिति कौन आज महानदी रे झारसुगुड़ा जिलार जो महानदी छत्तीसगढ़ रु आसी ओडिशा सीमार प्रवेश करमती रही स्थिति जो नदीर पाणी ओडिशा माटी सुजला सुफला शस्य श्यामला होता ओडिशार बड़ नदी महानदी आज स्थिति कौन आम आपको तार चित्र देखू जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक से अंचल सुरेन्द्र दुई मास तले आम देखल महानदी आपड़ देखाई दर्शकों को जे केमती छत्तीसगढ़ ब्यारेज रे आउ टोपे भी पानी आसुना महानदी धार सुखी जाए आज आप स्थिति से देखुं ग्राउंड जीरो कौन रही महानदी स्थिति सुरेन्द्र देखो तो शक्ति साई आम बर्तमान अच्छे महानदी बेसिन ईब नदी चालकोटिया गाँव में मुझे सूचना देवाक चाहिए सांघातिक तथ्य जे हीराकुद जल भंडार जलस्तर गत वर्ष तुलन में पखापाखि 5.5 फुट जलस्तर कमी सारी गत वर्ष 624.67 फुट था बेले गत काली 629.12 फुट था तो पखापाखि 5.5 फुट जलस्तर कमी सारा तो जेहेतु छत्तीसगढ़ ऊपर मुंड नॉन मनसून टाइम जो मिनिमम वाटर फ्लो हेबा कथा जो जल प्रवाह हेबा कथा से पारुनि जेहेतु महानदी बेसिन रे गत 10 वर्ष भितर छत्तीसगढ़ सरकार शह शह बैरेज एवं आनिकट एवं विभिन्न जो जलसेचन प्रकल्प करवा कथा से तो आम जो अच्छे ईब नदी में ईब इन्वेस्टिगेशन डिविजन अंतर्गत सुंदरगढ़ अंतर्गत तीनो बड़ प्रकल्प करने कथा गोटे हूँ तेलीजोर अंटे हूँ देवगा और सुंदरगढ़ में ईब बेरेज हवा कथा तो ये जो देवगा बेरेज हवा कथा से प्रकृत में कहीं जो तेलीजोर प्रकल्प द्वारा झारसुगुड़ा सदर ब्लक पाखापाखि 50,000 एकर जलसेचन हो पारिता कि बर्तमान सुधा हो पारि तो ये मुझे सूचना देवा चाहे चाहे गत 2 दिन तले मुख्यमंत्री प्रमुख परामर्शदाता तथा पूर्वतन मुख्य शासन सचिव अस्थित त्रिपाठी झारसुगुड़ा गस्त झारसुगुड़ा को आसते आम अर्गस ये नहीं पचारिता कहीं ओडिशा जलसेचन प्रकल्प आगे पारे
तो से गोटे कथा कही जो जलसेचन प्रकल्प विलंबित होबार कथा से स्वीकार करते कौन पर विलंबित हो त्वरान्वित करते तो आम सहित किसी स्थानीय लोक अच्छा जेहेतु ये तालकटिया जो उठा जलसेचन प्रकल्प अच्छी लोक नदी कूल रही करी मध्य हले शह शह एकर जमी तक पड़िया पड़ी तो आम सहित तो स्थानीय लोक अच्छा आसतु सीधा सल कथा जे कौन झारसुगुड़े झारसुगुड़े महानदी इब नदी भेड़ नदी जाइले सुधा झारसुगुड़े जो जलसेचन होगा कथा से पारे सीधा सल आम सहित किसी लोक जोड़ी होती आज्ञा गोटे कथा कहते तुम्हें ओडा जलसेचन प्रकल्प होगा कथा हो पारे आपण अंचल जो देवना बेरेज हेबार कथा कहीं पार नहीं कौन पर जिले जो जलसेचन प्रकल्प अच्छी बेरेज हेबार कथा तार सरकार आंतरिकता अभाव रही पार लोकर इच्छा अच्छी लोक लगी रिप्रेजेंटेशन दौंती थर थर जाए इलेक्शन बेल को थर थरटे हो गला मानते कुंभीर कांदा कांगुच सरकार टेंडर फ्लोट करदे कैनसल कर कैनसल कहीं कैनसल से किसी कारण पाखे ना मोटामोटी कह आंतरिकता भाव रही जदि मानने महानदी ऊपर मंडी में छत्तीसगढ़ बैरेज करके पानी संग्रह करा सरकार कहीं पार आंतरिकता अभाव ही पार ना आमर ऊपर मंडी में जदि यही सब जल बैरेज मानने बैरेज सब जो होलीजोर कोपसिंगा देवगा ताहले निश्चित भाव में महानदी जो आम पानी प्रोब्लेम अच्छे से सैड सैड आम जो तालपटिया है सैड्रे नसुड़ा है इे आम पंचपड़ा है कंटापाली है ये सब गाँ जो अच्छा जो जीवन जीविका चली आराम जीवन जीविका चलने सागे सागे वाटर टेबल जो खसुच ऋतुवेगर ताकि भी रिचार्ज होता गोटे कहते जेहतुजारोल मसीह बीजेपी तो प्रतिक्रिया नौला आम प्रतिनिधि सुरेंद्र बारिक लोक मानव नदी में जो ब्यारेज निर्माण कथा राज्य सरकार कही दे गाँ ठार जो ब्यारेज निर्माण कथा कहुला कड़े गला से ब्यारेज आज समग्र अंचल आज जलशून्य हवा को जाऊँगी महानदी धार संपूर्ण रूपे सुखी जा महानदी कथा कहब नदी कथा कहु झारसुगुड़ा जिले में ये हूँ चित्र हजार हजार हेक्टर जमीन आज फसल बर्बाद होगा जामती लोकों पाखे पहुँच छत्तीसगढ़ जितेबाला गोटे पर गोटे ब्यारेज करूला ता राज्य लोकों पर सेठाकार चाषवासपाई सेठाकार शिल्पानुष्ठान केमती जल पहुँच पार से योजना करूला राज्य सरकार से नाई तेल मारिकी बसी रे उत्तर दिगला विधानसभा भितर जे जिते ब्यारेज कले भी आमर कौन फरक पड़बनि कितु आज फरक पड़ी एक कथा आम आपको देखा जिते बड़े राज्य सरकार पदक्षेप ना कथा नेले से निघोड़ निद्रे शोई रही आज नेड़ीगुड़ कहूनी को बही सारी छत्तीसगढ़ पा को अटकई राज्य सरकार बाहाना नौंती जे ट्रिब्युनाल मामला विचाराधीन रही आज्ञा ट्रिब्युनाल तो मामलार विचाराधीन रर्ष वर्ष चल के वर्ष चल तार कौन ठिकना ना तो से पर्यंत हाथ गोड़ बांधिक बसवे कि राज्य सरकार से पर्यंत ओडिशार लोक को पानी बिना मरी जावाक देवे कि सतटी ब्यारेज कथा कही दे गाँव हम ब्यारेज गोधनेश्वर कपासीरा खैरमाल सुबलया मणिभद्रा मुंडली ये सतटी स्थान में ब्यारेज निर्माण कथा कही दुई वर्ष ते कड़े गला ना केवल 2019 जेहेतु निर्वाचन थी भोट हाथवाई केवल घोषणा करदे एवं भोट सरीगला पुणि थे सरकार निर्वाचित हो गले विपुल जनमत पाइक से झारसुगुड़ा जिलावासी तो आपण सरकार को विपुल समर्थन देखती दुई दुईज विधायक आपणकर निर्वाचित होती जड़े मंत्री अच्छा तो कहीं आज पर्यंत झारसुगुड़े संभव हो पारना जो कथा प्रतिक्रिया नौले दे गाँव कहीं ब्यारेज हो पारना इब नदी पर कहीं ब्यारेज हो पारना सुरेन्द्र बारिक आम प्रतिनिधि प्रतिक्रिया नौले ललित मोहन पट्टनायक इंजीनियर आम सहित जोड़ी होती जे कि महानदी बंचा आंदोलन सहित आरंभ ही जड़ित अच्छा ए इश्यू को ए समस्या को भल भाव बुझी विभिन्न समय एक नहीं कि स्वर उत्तोलन करीत पट्टनायक आपको स्वागत करुच्ची सतट ब्यारेज निर्माण कथा कही राज्य सरकार
अगया सात गांडुआ माटी भी आज पर्यंत को बैरेज रे पड़ी पाला एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2018 रे जते बेले हेला हमर जो मूवमेंट आमे करथुलु दिल्ली जाइथुलु महानदी बंचा तरफ जते बेले ट्राइब्युनल हेगला गठन हेगला तापरे आमे सांगे सांगे स्वर उत्तोलन कलु जे बर्तमान तो ट्राइब्युनल हेगला आउ छत्तीसगढ़ सरकार आउ किछि जो डैम करिले कुदले करि परिबेनी बर्तमान तुरंत ओडिशा रे जो पानी अछि ता उपरे बैरेज आउ डैम करा जाउ ओडिशा सरकार से कहले जितेबाला बर्तमान जे एसएलसी अच्छे जेना बाबू से जल संपदर सेक्रेटरी थे से कहले आम सतटी बड़ बड़ बैरेज करूँ आउ बैशटी आनिकट करूँ आम कहल ठीक अच्छे जदि आम एतक करें काउंटर कर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ छटा बैरेज कर तो आम सतटा बैरेज कले आमर जो पा दरकार से पा आम रखिपर कितु एपर्त आप ठीक कहते कौन सी जगार भी एक्चुअली देखा गले ओडिशा सरकार राजनैतिक इच्छा शक्ति ना जदि इच्छा शक्ति था से जो 2016 पर्यटन जो गला तो गला छत्तीसगढ़ गला कि 2016 पर आम चेतला ए पांच वर्ष चलीगला ये बेलू जोड़े तीन टा बैरेज हो कथा किसी कले ना कहीं कले ना केवल से हीपारे खाली कुंभीर कांदना कर देखु आज्ञा जदि बैरेज करदे महानदी केमती इश्यू मरीज लोकों पाखे सुविधा पहुँच महानदी को आल करी अन्य राजनैतिक दल को आंगुली देखे कि भोट केमती हासिल करेंगे तो से महानदी इश्यू जदि आ रही 2019 कि महानदी इश्यू कले आपण मैंने आंदोलन कले इश्यू सामना को आणले किंतु तार राजनैतिक फायदा पाइबाई उद्यम कला शासक दल केते बेले बीजेपी को घेरिला केते बेले बीजेपी को दोष देला केते बेले कांग्रेस को दोष देला किंतु एवं सेतिपाई कोठी माठिया धरिकी दलर कर्मी माने आंदोलन कले कोठी जल सत्याग्रह कले किंतु जो कांदना सेते बेले तांको आखिर जो कुंभीर कांदना जो देखिबा कुमळी थिला सेटा प्रकृत कुंभीर कांदना थिला जदि न होइथांता आज जो सातटी बैरेज कथा कहा जाउछि आमे कहूँ पांच वर्ष बीतीगला सात वर्ष निय दस वर्ष निय काम तो कम से कम आरंभ हो टेंडर प्रक्रिया तो आरंभ हो प्रक्रिया मध्ये आज पर्यंत आरंभ हो पारा ना ये हूँ विडम्बनार कथा सहित पटनायक एक्जाक्टली देखु छत्तीसगढ़ रु जो आम को पा आसे सी वर्तमान अराउंड 1 मिलियन एकर फुट पा कमी ये जो छटी ब्यारेज कर लगातार कालमा सारडीय मिरोनी बसंतपुर शिवनारायण सामदा प्रत्येक ब्यारेज 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रखुंट माने टोटाल है 300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी से माने इंडस्ट्री को दौरान चारिगुणा तो मैंने 1200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दौरान जोटा कि 1 मिलियन एकर फुट आम हीराकूद को खरा दिने निहाती 1.74 मिलियन एकर फुट पानी दरकार 1.74 मिलियन एकर फुट पानी गोटे मिलियन एकर फुट पानी से उठे नौ गत वर्ष कौन होता गत वर्ष जेहेतु कोविड था छत्तीसगढ़ में प्लांट चल नाला पूरा पा आमको आसला कितु ए वर्ष तर इंडस्ट्री चलला आबू आप देखते से माने पानी छाड़े ना कि गत पांच वर्ष धरी आम जो आंदोलन चलता जो ओडिशा सरकार कहते जदि से ही 1 मिलियन एकर फुट्र पा जोटा एक्चुअली सर्टेज टोटाल ओडिशा रे खरा दिने 1 मिलियन एकर फुट पा जोटा छत्तीसगढ़ आसला से सर्टेज कितु आम ओडिशा भितर भी 25,000 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फ्लो अच्छी इब नदी तेल नदी एमती बहुत नदी अच्छी आम पा भी किसी कम ना छत्तीसगढ़ जी पा होता तार 90% पा आम ओडार अच्छी से ही पा को जदि आम अटकई पारि था कि अटकाते कि अटकवा चेषा करते आमर जो सर्टेज हो 1 मिलियन एकर फुट पा सी रही जाता आमर तेल नदी में जोड़े तीन टा ब्यारेज कर प्रपोजाल अच्छी कि महानदी में सतटा ब्यारेज आपतान अर्गसर आंकर कहले कौ कौ जगह हवा था से भी किसी हैलानी बर्तमान काली जो मंत्री कहले बड़ हास्यास्पद कथा काली मंत्री कहले पुणी 2016 जो आलोचना होता से ही कथा कहले छा ब्यारेज कर पानी रखनी से 2016 रू आम जानू से घोषुंत गोटे कथा बर्तमान धरचे आज्ञा निश्चित रूपे बर्तमान कहते मंत्री जो कहले कल जे सीडब्ल्यूसी परमिशन दौनी अरे सीडब्ल्यूसी परमिशन कौन पे दरकार छत्तीसगढ़ तो आप आखि आगे कला 2000 हेक्टर दुई जोटे क्लज अच्छी 2000 हेक्टर रु जदि जमी को तुम पा जगेब तेल ब्यारेज कले कहू परमिशन नवा दरकार पड़े ना तलमुंड आमर तो तलमुंड बे ऑफ बेंगल परमिशन क्या नवार ही दरकार नहीं
आमे 2000 हेक्टर देखेकि भी ये छः छःटा बारेज कर पारे तेणु आम गोटे इच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति ए सरकार सबुठ बड़ा बाहाना बर्तमान मिल जाइए जे ट्रिब्युनाल मामला विचाराधीन रही से बाहाना सब पार होती जदि देखा जो कथ कौते तो पट्टनायक हीराकूद जलभंडार स्थित कथा आम प्रतिनिधि सूचना दौले झारसुगुड़ झारसुगुड़ महानदी चित्र देखाऊ आम देखा जब गत वर्ष फेब्रुआरी हीराकूद 25 फेब्रुआरी कथा जब देखा आम गत काल डाटा नौलु गत वर्ष 2020-25 फेब्रुआरी तार जलपतन थिला 624.67 फुट एवं 2021 फेब्रुआरी 25 रे आम जब गत काल डाटा आम देखा तो बर्तमान हीराकूद जलपतन रही 619.12 फुट अर्थात पखापाखी 5 फुट रु अधिक 5.5 फुट कम पा रही तो मुझे कहूल ना कारण गत थर कोविड सकाशे से माने इंडस्ट्री चल नाला से पा छाड़े एथर इंडस्ट्री चलू आँ छाड़ू ना आहरी पा छाड़े तेणु आमको गोटे मैंने प्रगतिशील कम आम ओडा हो प्रगतिशील मानने फ्यूचर को देखी कम होमें खाली बर्तमान टा टी रोचे कि गोटे जिनस सब बेसी जल संपद ओडा खाली ओडे मुझे 12% जल ओडा आप महानदी कोलाफोलाप 9 बड़ बड़ नदी अच्छे आमर ताधे जब ब्यारेज कर अटक कौन सी प्रकार जल कष्ट हेनी ओडा ब्यारेज कर किसी असुविधा नहीं आज्ञा प्रकृति आमको भरपूर आमको सुजोग दे जल संपद अपार जल संपद आम राज्य किंतु प्रकृतिर से बरदान को आम विनियोग करें रखी पारने आम अपारगता कारण आम राज्य सरकार ए आटीट्यूड कारण आज आम ओडावासी जल कष्ट भोग मरुभूमि पलटिजी जदि यह परिस्थित जदि लग रि सरकार केवल घोषणा करी पानी को लेकिन राजनीति करी जदि घोषणा को एमती थंडा बक्सर रखिदेवे उचित पट्टनायक आप आसबे पुणी थर आम जा झारसुगुड़ा ईब नदी पठार अच्छा आम प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक सुरेन्द्र जो कथ आप प्रतिक्रिया नौले देगा ब्यारेज कथा ईब नदी में ब्यारेज हो पारा ना छत्तीसगढ़ पा नदे भी जदि आमर जो शाखा नदी उपनदी गुड़िक रही तार पा को भी आम जब व्यवहार करते ठीक बाटर एदी ब्यारेज होता आज भी ये परिस्थिति देखा मिल न था गत वर्ष तुलन में 5.5 फुट हीराकूद जलपतन कमी सारा तो यह स्थित कौन कौन ए परिस्थिति पे क्या दायी कर जो स्थानीय जनसाधारण आप सहित अच्छा निश्चित साहब आम तो लोक प्रतिक्रिया किंतु सब बड़ कथा है जे गत संसद अधिवेशन रे बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव ओडिशा रे जो जल सेचन प्रकल्प गुड़िक दीर्घ दिन आनी पेंडिंग हो पड़ रही से नहीं कर जल संपद विभाग किसी तथ्य मागिते आम पाखे जहाँ तथ्य हस्तगत हो जो भारत 99 प्रायोरीटाइज प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट केन्द्र जल संपद विभाग केन्द्र से मध्य पूर्वतन मुख्य शासन सचिव वर्तमान जी मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता अस्थित त्रिपाठी को पचारिथिलु काहीकि से प्रकल्प गुड़ विलंबित होती है कौन से इश्यू ना तो कम कहीं आगे पारुनी तो से निजे स्वीकार करते विलंबित हो जल संपद मंत्री उमा भारती राज्य सरकार उभय राज्य सरकार को केंद्र एवं केंद्र सरकार कही उभय छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सरकार आपोस आलोचना माध्यम से समाधान करूँ सबुत बड़ कथा है जिते हीराकूद जलभंडार निर्माण है सेत बेले 1983 मसीह तत्कालीन मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री एवं ओडिशार मुख्यमंत्री मित्र गोटे चुक्तिनामा स्वीकार होता है और जॉइंट कंट्रोल बोर्ड गठन होगा कथ जो इश्यू उठू जो बिवाद उठू से जॉइंट कंट्रोल बोर्ड मध्यम ही समाधान होगा कथ कितु जेहेतु महानदी बिवाद 2016 मसीह तो कौन आलोचना है निश्चित भाव राज्य सरकार आंतरिकता बर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि करेतु महानदी त्रिभुवनार महानदी बिवादा विचाराधीन अच्छी तो जेहेतु विचाराधीन अच्छी इंटरस्टेट बेसीन महानदी बेसीन जो भी प्रकल्प हेब से जो मेजर एवं मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट कथ कौ से निहाती भाव CWC अनुमति नेबाक पड़ो कि जोटा बेरेज अच्छी जोटा 2000 हेक्टर रु कम अच्छी से राज्य सरकार ही करेंगे कितु ये बड़ प्रश्न उठू राज्य सरकार कहीं बेरेज करती तो निहाती भाव राज्य सरकार गोटे आंतरिकता अभाव रही है और ये केमती लंबा पर्यटन पहुंची पार और राजनीति इश्यू केमती है गोटे स्थानीय लोक मैंने अभियोग करते
सहित आम सहित किसी स्थानीय लोक अच्छा जो तालपटिया रा पानी पंचायत प्रेसिडेंट अच्छा जेहेतु एठी ही जलसेचन प्रकल्प प्रेसिडेंट अच्छा जेहेतु आम कथा आज्ञा जो आप जलसेचन प्रकल्प केवि आप प्रकल्प आरंभ होता है बर्तमान आप चाषी से प्रकल्प में आज केफिट हो प्रकल्प में किसी होनी कहीं पानी रोना पानी न रही तो बर्षे शहे एकर जमी चाष मैंने मारा खाई पानी पानी है ना से बर्तमान चाषी मैंने इंटरेस्टेड नहाँ कौन कि शेष में पानी मिल न मिल चाष हो पार नहीं चाष करने राजी ना तो जेहेतु इब नदी उपर मुंडे छत्तीसगढ़ गुड़ाए प्रकल्प करती आप तल मुंड को पा आसुनि आप भाते कि समस्या केते वर्ष है इमें लगे रही है दस वर्ष उठाई सब लेट चली चली आरू पा आसू एठी भी पानी जब आम प्रोजेक्ट कर रखुचु तेल तो पा कम आसो ना पा न चाषी का विश्वास ना जो आम पा पाइबू कि आम शेष में सरीज से ना से आगक बढ़ुना तो जेहेतु एटी स्थानीय विधायक नव दास अच्छा बर्तमान से स्वास्थ्य मंत्री अच्छा किसीदिन तले आप कालपटिया गाँ को आसते तो आपने गोटे दाबी पत्र केमती देवगा प्रोजेक्ट शीघ्र कम आरंभ हे से आपको कौन प्रतिश्रुति दे देखा करेंगे तो निश्चित भाव लोकों भितर तो गोटे रोष रोचे जेहेतु अनेक प्रकल्प जो इब नदी में होगा कथा तेलीजोर कथा कहतु कि सुंदरगढ़ इब बेरेज कथा कहतु कि देवगा कहतु सबुत बड़ कथा है जो लखनपुर ब्लक में अहिरा जो प्रकल्प होगा कथा से दीर्घ दिन पेंडिंग पड़ रही निश्चित भाव राज्य सरकार कौटि ना कौटि गोटे आंतरिकतार अभाव रोचे तो आम सहित किसी स्थानीय लोक अच्छा आज्ञा कौन कहे आपण मैंने जो पा आप नदीकूल अच्छा कि जमी को पानी मारी पारु छी की बिल्कुल पानी मारी पारुनी हमें पानी ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि डीप नदी रे एति की पानी रहइबो कि हमें चासटा कंप्लीट करि पारिबो इयर तनु सेते में चासो केही करू ना गोटे जित आ गोटे जित होला योगा रो जो प्रोजेक्ट आरंभ होला से 2007 मसिया रे से माने सरकार डिसीजन देले जे एति गोटे बैरेज हबो 2011-13 भितरे तार जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आसला जोटा आई आई टी खड़गपुर करी देला सेथिरे हला इट्स अ वेरी फिजिबल प्रोजेक्ट हिसाब से दिगला तापर सडनली 2014-14 January तार टेंडर हला टेंडर हला परे तापरे आफ्टर मे 2014 May से न्यूज रु टोटाली पड़ेला आउ से सब दुखर कथ जो वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट रो जो वेबसाइट अच्छी तार जो लिस्ट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट रु भी यही बाहर कर दिया गला आपण देवगा प्रोजेक्ट तो ये देवगा प्रकल्प से तत्कालीन जल संपद सचिव सहित विभाग अधिकारी मैंने पहुंची थे एवं सर्वे केमती कम शीघ्र कम हो पार से आसी तो कौन भावुं राज्य सरकार गोटे ललीपॉप अंचलवासी को देखते आप लगुच कि सर सेटा तो बहुत बड़ कथा आम किसी कमेंट करने चाहूनु कितु कथा हूँ जो आंतरिकता अच्छी जे चाषी मैंने पा पातु सर ये गोटे बहुत फर्टाइल लैंड जो बड़े आम नन पेडी क्रप आम ये आंतरिकतार अभाव कथा उठाऊँ स्थानीय जनसाधारण जो कथा प्रतिक्रिया नौते आम प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक इब नदी चित्र देवगा जो ब्यारेज हबार किभली भाव में राज्य सरकार से चंचकता कले आज लिस्ट भी देवगा ब्यारेज कथ आज काटि सारे जो सात ब्यारेज कथा कही भितर देवगा ब्यारेज कथि अच्छी तो पटनायक को आप फेर चाहिए तो ये जदि ए कथा को राज्य सरकार एभली आटीट्यूड नहीं कि मनोभाव नहीं कि जो आग को जीवे तेल जो 14 जिला महानदी उपर निर्भरशील कौन हम से भविष्य आग को कौन परिस्थिति आमको सामना करने को पड़ो महानदी उपर आमर 15 जिला निर्भर करुच्ची महानदी तटवर्ती जो जिला गुड़ा अच्छी से 15 छत्तीसगढ़ जो जो अच्छी से अराउंड 15 सो छत्तीसगढ़ 15 जिला आमर भी 15 जिला महानदी अवैक अच्छा महानदी जो टोटाल लेंथ अच्छी छत्तीसगढ़ ठू आम लेंथटा बेस एनिवे लेंथ उपर जीवानी आम बर्तमान जीवा आम एक्चुअली आम जो पा जो जल मानने जो हारवेस्ट हो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भल भाव सदुपयोग करें सदुपयोग करूनि यहाँ कथा आउर कौन राज्य सरकार का आंतरिकता ना कहीं आंतरिकता ना एत गुड़े प्रोजेक्ट आमर अच्छी आम निजे भी करें तो आम कहीं आंतरिकता मत लगुचा सरकार को जो मैंने जो बर्तमान ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन चलती
ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେବେ ବି ପ୍ରଗତି ଦେଖେନି, ସିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ। ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କେମିତି ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା, ଲୋକ ବିମୁଖ ହୋଇଯିବେ, ସରକାର ଟଳି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବାନି। ଏମ୍ ସବୁ ବେମତଲବ ଭୟ, ବେମତଲବ ଭୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାସ୍ କରି ରଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ନାହିଁ ଯିଏକି ସଜେଷ୍ଟ କରିବ, ନାହିଁ ଏଠି ବ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବି ବୁଡ଼ିବନି, କୌଣସି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଗାଁ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ନଦୀର ଯେଉଁ 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 କର୍ଭେଚରଟା ଅଛି, ସେଇ କର୍ଭେଚର ଉପରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବି ବୁଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଇସା ବି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା 2016 ଆକଳନ ମୁଁ କହୁଛି, 1200-1300 କୋଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ବହୁତ କରୁଛେ, ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ଥ ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 370-400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1200-1300 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେତିକି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିପାରିବେ? ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ଟା ଆଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଜନତା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଛନ୍ତି, ସରକାର ବାଛିଛନ୍ତି, 5-5 ଥର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଆଗକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବେ, ତ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଉଠିବ ଯେ କେଉଁମାନେ ଚରମ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ମହାନଦୀର ଅବବାହିକା ବଡ଼ ନଦୀ, ଯେଉଁ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଉଥିଲା, ସେ ନଦୀ ଆଜି ଶୁଖିଯିବାକୁ ବସିଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଏବଂ ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେଠୁ ଯଦି ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେଠୁ ଯଦି ନ ଚେତିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଘୋର ବିପଦ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏ କଥାରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ହେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, କୋଇଟ୍ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।